ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता दशम अध्याय श्लोक नंबर 36। द्यूतं क्षरयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि विवशायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। शब्दानुवाद, द्यूतम जुआ खेल, क्षरयताम छड़नाकारी मानक मध्य अस्मि अटे तेज तेज तेजस्वी नाम तेजस्वियान मानक मध्य अहम मु जय जय अस्मि अटे व्यवसाय साहसिक कार्य अस्मि अटे सत्तम बल सत्तवताम बलवान मानक मध्य अहम मु। अनुवाद, छलनाकारी मानक मध्य जुआ खेल एवं तेजियान मानक मध्य तेज अटे मु विजय अटे मु दुस्साहसिक कार्य अटे एवं बलवान मानक बल अटे। महाभारत कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ। ब्रह्मांड रे अनेक प्रकार ठक व छलनाकारी अछंती, ठकामी क्रिया मानक मध्य जुआ खेल प्रधान एवं सेतिपाई ताहा कृष्णकर प्रतिनिधित्व करे। परम पुरुष हिसाब रे कृष्ण जेकोणसी साधारण मानव अपेक्षा अधिक धूर्त अटंती। जदि श्रीकृष्ण कौन सी व्यक्ति को ठकिबा को इच्छा करती ताले ए ठकामी क्रिया रे तांकु केही बड़ी पारिबे नाही। तांकर महानता एक देशदर्शी नुहे, यहा सर्वदेशदर्शी अटे, अर्थात से सब दिगरे महान अटंती। विजयी मानक मध्य से विजयी अटंती, से तेजियान मानकर तेज अटंती, साहसी शिल्पपति मानक मध्य से सबुठारु अधिक साहसी अटंती, साहसी योद्धा मानक मध्य से अत्यंत दुस्साहसिक अटंती, बलवान मानक मध्य से सर्वापेक्षा अधिक बलवान अटंती। श्रीकृष्ण जितेबेले ए धराधाम रे उपस्थित थिले केही तांकु बलरे बळी पारु नथिले। एपरिकी बाल्यावस्था रे से गोवर्धन पर्वत को उत्तोलन करथिले, ठकामी क्रियारे मध्य तांकु केही बळी पारिबो नाही, तेजर मध्य केही तांकु बळी पारिबो नाही, विजय हासिल करिवारे केही तांकु बळी पारिबो नाही, साहसिक कार्य रे केही तांकु बळी पारिबो नाही एवं बळय मध्य तांकु केही बळी पारिबो नाही। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चाक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पदाय नीता कृपापदाय गुरुपुतामदाय गुरु राम तरण। तो श्लोक नंबर 36 रे भगवान कौन कहते जे छलनाकारी मानक मध्य मु जुआ खेल एवं तेजियान मानक मध्य मु तेज अटे। तो भगवान आ गोटे नाँ भी अच्छी जे छलिया छलिया बोल भी कहू पपटी मध्य कहू, कहीं भगवान ये सब जो गुण प्रकाश करती एड़ा से भक्त मान को गोटे उदाहरण प्रस्तुत करने जो मैंने
राक्षस मैंने अच्छा बध करने भक्त मान बेले बेले आनंद देवाई कर्म गुड़ाक से करती प्रकृत भगवान सब कर्म हूँ दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम आपण जुआ खेलने भगवान जुआ खेलने सामान मानने हेना एवं बहुत उदाहरण रही भगवान छल करमती गुड़ाए लोक भावती आम भगवान ठार अधिक चला बुझे ना नहीं हिरण्यकश्यप भाविला मुझ भगवान ठार बेस चला मुझे बर मारिदेवि ब्रह्मा को जी मत भगवान भी आउ किसी करेंगे ना एवं से कमी बर मागि दिन ना रात ना घर ना बाहर ना कि भगवान कौन छल कले कह तो जहाँ जहाँ तू कंडीशन रखी सब कंडीशन फुलफिल करके तक मुदेवि मनुष मारी पार नहीं पशु मारी पार नहीं नरसिंह हो गले घरे ना बाहर ना द्वार बंधे मारिदे दिन ना रात सन्धार मारिदे हाँ ऊपर ना तल ना कोल मारिदे अस्त्र ना शस्त्र ना नख मारिदे तो सब कंडीशन फुलफिल होगा सेमती छलना जमी आगे आमर अच्छी जगन्नाथ को थे गर्व कह भगवान सहती ना थे बहुत बड़ धनी लोक व्यवसायी थी से जगन्नाथ को कहला जगन्नाथ को मु भोग दे पारि तार गोटे गर्व भाव अहंकार भाव से गोटे दम्भ भाव नहीं कहला भगवान को मुझे जहाँ मागिले देदेवि भगवान को मागिक भगवान आम दे पार भगवान कौन कहते पत्रम पुष्पम फलम तयम इतके टी दि से तो दे पार ना आम सबुदिन फुल गोटे दि कहले भी दौना बहुत लोग फुल बगिचार फुल अच्छी फुल छिंडे भी नहीं गचर भगवान को कहीं देवी फुल के सुंदर दिशु गचर मानने आखिर इंद्रिय तृप्ति फुल रखाई भगवान को देवे नहीं से फुल छिंडेदे इंद्रिय तृप्ति बंद हो गला से निजपाई फुल रखी भगवान फुल रखि ना बहुत लोग देखिए फुल छिंडे नहीं से सुखीज फुल सुखिक झड़ीज से फुल भी बिचरा से गचटा बिचरा से फुल दुटा चढ़ी तार भी जन्मटा सार्थक होता से चाहती मोर फुल नहीं ठाकुर को दे तो आज ना कल झड़ी झड़वा पूर्व सतेज बेले मत फुलटा दे दि से देवे ना सेमती लोक मैंने कौन करते मुझ बुढ़ा समय भगवान को पाक जी मानने फुल मोड़गलापर आ बुढ़ा समय भी आसीपर ना केतज बुढ़ा आस गोटे लोक कहला जे पुआ एमती इंजीनियरिंग कलेज पढ़ुते इस्कन को आसिले से तार बापा कहले जेटा कौन बयस ये बयस कोड़े पचीस बयस धर्म कार्य करती जिते बयस हो बुढ़ा हो जाता कर समय अच्छे एवं कौन तू जा तो सेठ से कहला तुम्हें ठीक भाभी चिंती कौच तो बुढ़ा बेले हम हाँ बुढ़ा बेल काम यहाँ अच्छा कह ठीक अच्छे मुझे जीवार बंद करदेवि कि तुम्हें तो बुढ़ा है तुम्हें जाऊ बापा से चुप से जाऊना से पुह को सी बुढ़ा बेल काम तुम्हें बुढ़ा है तुम्हें कैसे जाऊ तो भक्ति बुढ़ा बेल भक्ति रखा हुए ना फुल मौड़ी गलापर जा भगवान को देवाई रखा हुए नहीं मानने शरीरटा जो निस्तेज हो इंद्रिय मैंने काम करेंगे ना आ घर कहले भी घर लोक कहे बुढ़ीटा घरे खाली बैसी कुटुर कुटुर रोच कड़े जाता मंदिर फंदिर जा बुल बुला आसुन घर बाहर को बाहर करदे से मंदिर आसवे ना घरे बहुत लोग अच्छा हाँ नाती नातुणी तार गुह मूत घर चली थी से घर प्रति एत आसक्ति निजपाई से करेंगे ना मंदिर को आसबे ना पूरा एकदम टाइम सेड्यूल घर पर कर्तव्य कर चलती मला बेल को मला बेल से घर कर्तव्य मन पड़े अरे मुझे नाती को किए देख इता किए संभापर से गोटे कुकुर हो घर बाटे जगिथे नाती को देखु बस कि तो सी आसक्ति जोटा से आसक्ति से ही मोह कह तो भगवान कहते छलनाकारी मान मध्य मत छलन कहीं तुम्हें पार डेजी ना विभिन्न प्रकार से छलना कर जगन्नाथ को सेमती देवी कहला जितने धनी लोकटा जगन्नाथ कहते मुझे गोटे पान दे कहला ये कौन मागुच आउ कौन कौन मागि था ना पान गोटे मुझे पारे ना हाँ देवी जो दे कहतु कौन पान देवे मीठा पान खैरिया पान ए कड़ा पान कौन पान देवी से कहे किसी मीठा कड़ा भांग फांग खाए ना मत खाली जो चूनटा पकड़े गोटे गजमुकुता चून होता कथा से पता कहला हाँ देवी गजमुकुता गोटे कौन मोपाई मुक्ता कौन तापर से पता कला हाथी मान पाक जो मैंने मालिक मैंने गजमुक्ता कौन से कहला हजार हाथी मारले से भितर गोटे हाथी मुंडे खुबड़ी भितर गोटे मुक्ता भाया बाहर अच्छा हजार हाथी मारे पड़ो
କେତେଟା ମୁକ୍ତା ହେଲେ ଚୂନ ହବ, ତାପରେ ସେ ପାନବାଲା ଯିଏ ଚୂନ ତିଆରି କରୁଛି, ନାଇଁ ଦଶ ପନ୍ଦରଟା ମୋତି ହେଇଗଲେ ଚୂନ ହେଇଯିବ, ଦଶ ପନ୍ଦର ହଜାର ହାତୀ ମାରିବି, ମୋର ତ ସେତିକି ଧନ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ କହିଲେ, ତୋର ଗୋଟେ ପାନ ଦେବାର ଗୋଟେ ତୋର ଔକାତ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ତ ଭଗବାନ ସେମିତି ଛଳ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଳ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଉ ବି ଅଛି ଯେ ବଳି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନୀ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଥିଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଛଳ କଲେ, ଗୋଟେ ବାମନ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ତିନି ପାଦ ଜମି ମାଗିଲେ, ତିନି ପାଦ ଜମି ଦେଇପାରିବୁ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନୀ, ତିନି ପାଦ ଜମି ଦେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପକେଇଲେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଛଳ କରୁଛନ୍ତି, ଛଳିଆ ସେ ଛଳ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ରୋକିକି ଜଳ ଧରିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିଏ ବଳି ମହାରାଜ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଛି ହେଇକି ସେ କମଣ୍ଡଳ ମୁହଁରେ ଯାଇକି ଛେକେଇ ଦେଲେ, ପାଣି ପଡ଼ିବନି ଏମିତି, କାହିଁକି ସେ ବଳି ମହାରାଜ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ଥିଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବି ରାକ୍ଷସ ବଂଶଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ରାକ୍ଷସ ବଂଶଜ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା କୟାଧୁଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ଏମିତି ଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖାଗଲେ ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେ ରସୁରତ୍ନାକର ଗୋଟେ ଦେଖାରେ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ। ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଆସିଲେ, କାହାର, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲେ ସେ। ତ ସେଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲାରୁ ସେ ତିନି ପାଦ ଜମିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ମୋଠୁ ବଡ଼ ଠକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 64 କଳା ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ପସିବିଲିଟି ଗୁଣ ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳ ଅଟେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକୁନି କପଟ ପଶା ରଖିଥିଲା, କପଟ ପଶାରେ ରଖି ସେ ବିଭିନ୍ନ, ମାନେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ ସେ କେବେଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଅର୍ଜୁନର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଖତମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଠୁ ଏମାନେ ଆଗରେ ନଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଶକ୍ତି। କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଶକ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ବଳିଆନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ପରାସ୍ତ ହୁଏ। ନହେଲେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କାହାର ବେଶୀ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଉଭା ହେବ, ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗତକାଲି ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଆଉ ଛଳନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ପଳେଇଯିବି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଏବଂ ନର୍କରେ ତୋତେ ପକେଇବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ପାଇବୁ, ମୁଁ ଏଠି ଛଳନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଛଳନାକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳ ବା ପଶା ଖେଳ, ତ କପଟ ପଶା କରିକି ଯେତେ ହଇରାଣ କଲେ ବି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କୁରୁବଂଶ ନାଶ ହେଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟୀ ହେଲେ, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଇଁ, ତେଜିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତେଜ ଅଟେ। ତ ଯେଉଁ ତେଜିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ତେଜ ଅଛି, ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଭୂତି ଯଦି ଅଛି, ସେ ବିଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଜିଆନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତେଜ ଅଟେ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ତେଜ ବାହାରୁଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ଯେଉଁ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଅଲଟିମେଟଲି ବା ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଫେରିନାହୁଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିନାହୁଁ ଆମେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲାଗୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରି ରହିଛି ସେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେବା କଥା, ଯେତେ ତାର କକ୍ଷରେ ଯେତେ ଲେବଲ୍ରେ ରହିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଇଛି ସେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚୁଛେ ଆମେମାନେ ଅସ୍ଥିର ରହିବା, ଅଶାନ୍ତ ରହିବା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ହେବ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣେ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ମାଲିକ କି,
नुहे आम हूँ दास क्या अंशर कम हो पूर्णर सेवा करवा ये बॉडी पार्ट मानकर कम हो भूल बॉडी सेवा करवा हाथर कम शरीर सेवा कर गोड़ कम शरीर सेवा कर विभिन्न बॉडी पार्ट कम कौन बॉडी सेवा कर ठीक से आम कम हो भगवान को सेवा करवा विजय अटे जो विजय बा जितवा विभिन्न प्रकार जितवार अच्छी से विजय भी मु अटे तो भगवान को आम जब रखा आम पाखे तब सब कम कौन होगा विजय तो भगवान कहते मुझे विजय अटे तो आपड़ जब जितवाक चाहते भगवान को आप रखु आप खाली भगवान को रखें खाली लक्ष्मी को आप रखे रावण कौन कला रावण हारा कहीं हारा से राम को रखा चाहूनला से केवल सीता रखा चाहूला से तार मृत्यु है अधपतन है ना रावण भी जो बहुत बड़ ज्ञानी थी ताक बहुत विद्या बहुत मानने सुशासक तार राज्य को समग्र राज्य को सुनार छावणी कर देता सुनार लंका या कौन बड़ सुशासक आप दरकार कितु तार गोटे बदगुण कौन थी से भगवान को चाहून भगवान को शक्ति को केवल व्यवहार करने चाहूला आम बेले बेले कौन कर भगवान को व्यवहार करने चाहूने केवल भगवान को टंका टंका मान लक्ष्मी खाली लक्ष्मी को आम सेवे लगे चाहूचे जिते बारे लक्ष्मी को भगवान को सेवे लगे चाहिबा तेब जाए विजय भगवान आमको पाक आसवे एवं भगवान को भगवान सेवे लक्ष्मी को लक्ष्मी कार सेवे लगे कथा आम सेवे ना भगवान सेवे भगवान पत्नी सेवे लगे कथा तो लक्ष्मी भगवान सेवे के लगेगा जिते टाँग कमाऊँ आगे मंदिर थे नुहे आप जोटा खाऊँ से खाइए कि बर्तमान से भगवान को भोग लगे खाइए तैयारी कला बेल आप भावे मु भगवान को देवाई तैयारी कर चिंताधारा आम इस्कन मान कौन कृष्ण भावना अमृत केवल कृष्ण भावना रखिवार अच्छे ये अन्न किसी ना केवल सब कथा कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना को जोड़ीदेवे पर काटुचार क्या काटुचार हजबैंड पिलाई आज मो पु को पोट भल लगे ताकि रोसे कर चिंता करार ना आपको चिंता कर भगवान को पोट रसा भोग लगे अटोमेटिक पिला तो पाइब प्रसाद तो से भावना देने कहीं भगवान से रोसईर भाव को भगवान पाती आप बापाई निजर माँपाई निजर पुपाई निज पति भाव अलरेडी दे सारे भगवान कौन मीठा खाइबे तो भगवान हूँ भावग्राही भावग्राही कह आप जो खाद्य रखते गोटे पोट कि गोटे भात ता स्थान गोटे जगह अलग जगह को हुए कहीं जमती सेमती फेरी पाते तो आप भगवान को जहाँ देवे से फेरी पाइबे कितु से कार्य आपर इंद्रिय सब शुद्ध हो मुख शुद्ध होगवान प्रसाद प्रसाद पाइले आरनिंदा करने को इच्छा हम ना ये फालतू बाजे कथा शुणा को कह इच्छा हम ना आम देखिए जो मैंने भक्त हो सांसारिक कथा से मैंने सांगे सांगे से सैड मारे कहीं सब वेस्टेज अफ टाइम सांसारिक कथा मान से सर्प से कान रहा सर्प मान या गुंफा कौन कहते डुएल सापर डुएल जोटा कहते तो ये सांसारिक कथा आमको केवल मृत्यु पाख को ही नहीं चलो जमी बेंग बर्षा दिन कौन कर टर 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 कर कौन पाई करे से भावे टर टर कले गोटे स्त्री बेंग आसव मुझ तो संग करे कि स्त्री बेंग शुणु शुणु से साप शुणे एवं स्त्री बेंग आसवा जगह साप पलि आसवाक गिड़ीदेव ठीक सेमती सांसारिक कथा टर टर करवा यार यहाँ है से तार सहित बहुत लोग अच्छा मंदिर में भी आस खाली सांसारिक कथा है मोर एमती किसी लोक अच्छा निज विषय कहे किसी लोक अच्छा पर चर्चा करेंगे किसी लोक कहते ये घटना घटला से घटना घटला यहाँ कर किसी लोक कहे एमती कले सेमती बंदा सेमती कले सेमती बंदा कि भगवान विषय में कथा हो ना बाकी सब जहाँ कि कहा हुए प्रजल्प मंदिर में प्रजल्प करवा कथा नुहे ना मंदिर में आप जहाँ भावे भगवान से आपको आहरी बुड़ेदेवे आप मंदिर में भावे जे मुझ भगवान सेवा भल भाव करती आहरी सेवार सुजोग देवे भगवान एवं आम हरे कृष्ण जो महामंत्र कहे से मंत्र अर्थ ही हूँ भगवान आमको निजर सेवे लगा माने इनडायरेक्टली आम टेक्निक भगवान कहे सेवे लगा मैंने तुम्हें जो भी रोच हेटक भी आम जीवी आप रही इनडायरेक्टली से मतलब राष्ट्रपति को जा कह मत नौकरी दि मत चाकर रथ मैंने कौन तुम घर मुझे रही तुम्हें जहाँ खाऊ खाइबि डायरेक्ट तुम घर रही तुम जहाँ खाऊ खाइबी कह राष्ट्रपति तुमको घरे पूरे
चाकर कर बोलिक जदि आप कहे हाँ आ रही सेवा कर खा ठीक से आम जो महामंत्र कहे जे महामंत्र भल जप करुचे से अधिक अधिक सेवा पाइब मंदिर आज जप करूना खाली मानते ठीक भाव जप होना से मंदिर सेवा किसी पाइबना आसब जीव आसवा जावा भी बंद हो बेले बेले आसवा जावा भी तार धीरे धीरे बंद होगी अधिक सेवा कर जानवे तार जपटा ठीक रोचे एवं अधिक सेवा कले जप भल जप भल सेवा पाइबे परिपूरक भल सेवा कले भल जप हम भल जप कले भल सेवा पाइबे एमती एमती धीरे धीरे बढ़ी चलो कहीं आप मंदिर आई मंगला आरती से तुलसी आरती से शिक्षाष्टकम से नृसिंह आरती बोर लगुच सांसारिक कम करूँ तो सांसारिक कम बोर हो किंतु आध्यात्मिक कम कौन सबुदिन आप आनंद धीरे 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 पूर्णता लाभ करेंगे मन भी पूर्ण हम एवं किसी गोटे करुच्ची आप जापर एवं से कौन कहते विजय अटे और दुस्साहसिक कार्य अटे दुस्साहसिक कार्य भगवान ठारे अधिक दुस्साहस कई करना कालिय जार कालियार विषय मरी जाते तार हवा पाइले मरी जाते लोक से कालिय को मारापाई से ह्रद भितर को पशिगले से कालियार मुंडर साप मुंडे नाचले साप मुहरें पशि जाऊ बकासुर को फाड़ी देते तो कौन शकटासुर को धेनुकासुर केते असुर मानक बध कर आम गोटे बड़ पथर उठे चिंता कर पारे दुस्साहस कर पारे से कौन दुस्साहस कले गोवर्धन पर्वत को माँ आंगुठ माँ हाथ काणी आंगुठे उठेदे तो दुस्साहसिक कार्य मानक भितर भी मुटे एवं बलवान मानक बड़ मुटे बहुत बड़ बड़ बलवान मान अच्छा गोटे बलवान थे ना हूँ माइक टाइसन नुहे आ गए थे से ट्रेन को एमती अटके दौला से लोकटा ट्रेन जो स्टार्ट आगे जो इंजिन थिला से ट्रेन को एमती धरीदे से ट्रेन आ जगह खसी पार नहीं तो सेमती गोटे बलवान लास्ट समय से तार हाथ गोड़ आ चल पारानी कहीं बलवान मान बल किए भगवान कृष्ण आम मैंने बहुत लोग शक्तिशाली थे देखिए रास्तार गोटे सैड बाड़ी धरिक एंत कर चलुवे कहीं हाथ गोड़े कंट्रोल ना पारालीसीगला तो भगवान कहार बड़ कौन भगवान बलवान मान बड़ भगवान अटति सी जदि कौन प्रकार टी छाड़दे कौटा कड़े टाणी किसी परिश्रा कर बंद हो गला मैंने आपणकर जिते टाँह अच्छे सब खर्च होडनी जदि खराब होगा जहाँ टाँह रखिंट कोटिपति हेले भी सब पैसा सरीज डायलीसीस कर शेषे सब पैसा सरीगला आ पैसा नहीं हाथ उठेदेवि तापर से मरीज पूरा कंगाल कर जो माने सामान्य शारीरिक छुटिया कामटे करने को भगवान बड़ को आम आशा करुचे आम जदि भावा मुझ बहुत बड़ लोक बहुत बड़ मुंडी ए मु बहुत चाहिए बहुत किसी कर पकेबी तेल से मूर्खता के आम सेम गर्व करवा कथा नुह हाँ जदि आम कौन पापकर्म हो आमको भी हूं तो विभिन्न पारालीसीपे कोमारे जापर कैंसर हो पारे एवं जो आम जड़े महाराज थे कदम्ब कानन महाराज से जड़े भक्त कि कैंसर होता कि बहुत समय बचिले से एवं शरीर से त्याग भक्त मान किए विरुद्ध जड़े थे गुड़ भी मारदे टॉयलेट गला बाहर तो सेमती आम जब किसी कष्ट पाइबा खुशी आम स्वीकार करवा कथा कहीं आत्मार कौन सी आत्मा को पारालीसीस हुए ना कि आत्मा को कैंसर हुए ना ये शरीर को कैंसर हो बेले बेले आम जब कैंसर हो जानपरिया जी ये आज जन्मटे ने पड़ी था भगवान भगवतधाम को नेबार अच्छे तो जो कैंसर रोगटा अच्छे आर जन्म नहीं ये जन्म ले जा सारी दे हुए ना बेले बेले आम जिते मामू घर को जीवार अच्छे कि माँ घर को जीवार अच्छे दु चार कम जो बाकी भी अच्छे सारी देखिए जाकि निश्चिंत रही कम सारी देखिए पल ठीक सेमती आपड़ भावा कथा जी आमको दुख कष्ट मिलूँ तो भगवान चाहते तो भाग जो अच्छे सारी देजे शीघ्र तू भजन कीर्तन शेष समय भल भाव भजन कीर्तन करके मो पा फेरी आस तो भगवान आमको जहाँ भी दौरान से प्रथम आम कृतज्ञ हवा कथा जमी आम हिजुरी ने जयपता स्वामी महाराज से ह्विल चेयर में अच्छा किंतु सारा पृथ्वी प्रचारक हिसाब से नंबर वन अच्छा से तो चाहते अभिमान करते मुझे बड़ भक्त एत लोक भक्त करते कहीं असुविधा हो कहीं भगवान निर्णय को आम समस्ते खुशी खुशी ग्रहण करवा कथा तेल से आमको समस्त को खुशी खुशी रही पार ना आम जब देखा गोटे भिखारी को देखुचे आम कौन हाँ बिचरा के
कष्टरे अच्छे अंबानी देखिले आमको अंबानी आगे आम निजे समस्ते गोटे गोटे भिकारी हना नहीं अंबानी संपत्ति आगे आम संपत्ति किसी अंबानी आप सारा जीवन में जितकी इनकम करती अंबानी गोटे ड्रिंक पीले से खर्च हो जाए तार गोटे गोटे ड्रिंक 30 लाख टंका खर्च हुए आमर सारा जीवन रो इनकम 30 लाख टंका से गोटे ग्लास कौन गोटे पीदे 30 लाख टंका खर्च हो जाए तो तांगे आम भिकारी भी हीन तो कह सहित कलना करवा उचित नुहे सब बड़ जिनस भगवान भक्ति करूचे तो आम संपूर्ण पूर्णतारे अच्छे ताठ बड़ जिनस किसी ना हरे कृष्ण कह रहे किसी प्रश्न अच्छे पचार।